मैंने लोकी सीजन 2 के ऊपर दो वीडियोस बनाई जो कि ब्रेक डाउन वीडियो थी, लेकिन उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ये दुनिया बहुत खराब है ना। लेकिन मुझे पता है कि कॉमिक वर्स, सुपर सुपर, देसी नर्ड जैसे बड़े यूट्यूबर्स इस पर ब्रेक डाउन बहुत जल्दी ले आते हैं। इस वजह से उसी टॉपिक पर एक स्मॉल चैनल की वीडियो नहीं चलने वाली, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 की बात करी जाए। हाँ, मतलब एपिसोड की बात करेंगे हम, किसी चीज के ब्रेक डाउन या रेफरेंस को बताने की नहीं। और ऐसी थ्योरीज बताऊंगा आपको मैं जो आपका दिमाग हिला दे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सबसे पहले लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 के रिकैप की, और फिर पूरी वीडियो में मैं फैन थ्योरी की बात करूंगा। तो होप करता हूँ कि एमसीयू फैंस इस वीडियो को पूरा देखें। लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 लेकर आता है सभी मेन कैरेक्टर्स को एक साथ। हम फाइनली मिलते हैं विक्टर टाइमली से, लोकी से, सिल्वी से और मोबियस से, और आखिरकार हमें पता चल जाता है कि रेवना रेंसलेयर कहां छुपी हुई थी और मिस मिनट भी। और वो बताती है कि उसे टीवी चलाने के अलावा भी डीप फीलिंग्स हैं। There are lot of moving parts. Episode 3 बाकी season 2 के लिए काफी सारी बड़ी जिम्मेदारियां निभा लेता है। Season 2 episode 3 हमें past में ले जाता है 1893 के शिकागो में, जहां पर वर्ल्ड फेयर चल रहा था। हम विक्टर टाइमली से मिलते हैं जो कैंग का एक वेरिएंट है, लेकिन एंटमैन एंड द वॉस्ट क्वांटमेनिया में मिलने वाले कैंग या सीजन 1 के ही वो रिमेन्स की तरह विक्टर बहुत धीरे और इतना बुरा मास्टरमाइंड नहीं है जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं। एक धोखेबाज के रूप में काम करते हुए उसने अपनी रचनाओं से दूसरों को बेवकूफ बनाने से पैसे कमाए हैं, इसीलिए लोकी, मोबियस और रेवना उसे पहली बार मिलते हैं। उससे अपने टेम्पोरल ओरा को स्कैन करवाने के लिए उसे टीवीए ले जाना चाहते हैं। इसके लिए लोकी और मोबियस विक्टर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें सिल्वी ने रोक लिया। उसने सभी कैंग के वेरिएंट्स को मारने का वादा किया है और विक्टर भी उनमें से एक है। विक्टर रेवना और मिस मिनट के साथ बच जाता है, लेकिन जब वो मिस मिनट के साथ अपने लैब में अकेला होता है तो उसे समझ में आता है कि एआई के पास उसके क्रिएटर के लिए सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ एहसास है। मतलब वो तो बोल रही थी भाई वो गर्लफ्रेंड बनना चाहती है उसकी, मतलब पागल वागल है क्या, अगर उसको शरीर मिल जाता तो क्या कर देती भाई। एपिसोड विक्टर के लैब में एक फाइट के साथ एंड होता है। सिल्वी को उसे मार देने का इरादा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ही हु रिमेंस की तरह नहीं है, वो बताता भी ना कि जिसे आप बुरा मानती हैं उसका दिल जो है, मेरा दिल जो है उसकी तरह नहीं है, तो बस ये दिल दिल वाली बात बता देता है। मतलब उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि टाइमलाइंस क्या है, मल्टीवर्स क्या है, और वो एक्सप्लेन भी कर देता है कि भाई मैं बुरा नहीं हूँ। वो दिल दिल की बात करके सब कुछ निपटा देता है और सिल्वी भी उसे छोड़ देती है, और बस वो उसे नहीं मार पाती और लोकी और मोबियस उसे ले जाते हैं। इस बीच वो रेवना को एंड ऑफ टाइम की ओर दाखिल करती है, जहाँ रेंसलेयर और मिस मिनट अपना बदला लेने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा ही लगता है, पता नहीं। तो ये थी इस पूरे एपिसोड की रिकैप। अब चलिए बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में, जिसको सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मैंने भी सोचा और मेरे दोस्त ने भी सोचा, और वो है फैन थ्योरी जो हमने सोची थी अपनी कन्वर्सेशन में। मैं उसी कन्वर्सेशन को आपको बताने वाला हूँ जो कि इतनी परफेक्ट है ना कि उसमें से अगर किसी ने कमी निकाल दिया तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, और उससे ज्यादा कर भी कर सकता हूँ, है ना। टीवीए की क्रिएशन के पीछे और कोई नहीं, ओवी है। जी हाँ, ओवी है। मल्टीवर्स को एक सेक्रेट टाइमलाइन में लाकर बनाने वाला भी ओवी है। अब आपको ये मानना है नहीं मानना है तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कुछ वजह बता सकता हूँ आपको। अब देखिए, मैंने पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि जो ओरोबोरस है वो एक नॉर्स मिथोलॉजी से बिलोंग करने वाला सर्पेंट है, और ये एक ड्रैगन जैसा भी दिखता है जो अपनी टेल को खा रहा है, जो कि एक इन्फिनिटी लूप को दिखाता है। और जब भी लूप ब्रेक होता है तब रैग्नारोक आता है, या फिर ये कहें कि जब रैग्नारोक आता है तब इसका लूप ब्रेक होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एमसीयू में तो रैग्नारोक आ चुका है ना, तो देखिए ऐसा नहीं है। रैग्नारोक का जो मीनिंग है वो ऐसा दिखाया गया है कि जो डिस्ट्रक्शन है ना वो एक क्रिएशन का कारण बनता है। मतलब जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी तो क्रिएशन होगा। अगर आप हिंदुइज्म में भी देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शिव भगवान है वो जब प्रलय आएगा तो प्रलय से वो डांस करेंगे जिसे हम कॉस्मिक डांस बोलते हैं, और उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और फिर होगा क्या, उसके बाद दोबारा से ब्रह्मांड बनेगा और कालचक्र फिर से शुरू होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा एक जैसा ही है, तो ग्रीक वालों ने छापा होगा हमसे और क्या, जिसमें पहले का सब खत्म हो जाता है और एक नई शुरुआत होती है। और ओबी का नाम भी वही है, पर नाम वाली बात उतना सेंस नहीं बनाती। लेकिन तब एक ओबी ही है जो ना कभी मरा है, और यहाँ तक कि कैंग ने भी कभी उसकी मेमोरी वाइप नहीं करी। और सबसे मेन बात कि टीवीए की गाइड बुक उसने लिखी है, जिसमें पूरे टीवीए की क्रिएशन के बारे में लिखा है। मतलब पूरे टीवीए की क्रिएशन तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे टेम्पोरल लूम, उन सब के बारे में लिखा हुआ है उसमें। और जो भी कैंग की इन्वेंशन है वो भी उस गाइड बुक में है। और जैसे कि
हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि रेवोना विक्टर के बचपन वाले रूप को जब गाइड बुक देती है तब वो सेक्रेट टाइमलाइन होती है, और फिर जब लोकी उसे टाइमलाइन में मोबियस के साथ पहुंचता है तब वो सेक्रेट टाइमलाइन होती है। पर जब लोकी और मोबियस उसी टाइमलाइन के फ्यूचर में जाते हैं तब वो क्या होती है, एक ब्रांच टाइमलाइन। मतलब आप सोच रहे हो कि रेवोना को वो बुक देनी ही नहीं थी, इसका यही रीजन है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुई, वही जिसका रीजन गाइड बुक हो सकती है। पर अगर वो टीवीए कैंग की क्रिएशन है तो वो टाइमलाइन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो क्योंकि विक्टर तो वैसे भी कैंग वाली सारी क्रिएशन करता अगर उसकी डेस्टिनी होती। पर यहाँ जो विक्टर की सारी क्रिएशन है वो एक गाइड बुक से है भाई, जो कि ओबी ने लिखी है, तो उस हिसाब से यहाँ एक लूप क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से कैंग अपनी सारी क्रिएशन कर सके और कैंग द कॉन्करर बन सके, और फिर टीवीए की हेल्प से कैंग काउंसिल बना सके और पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सके। पर बाकी कैंग के वेरिएंट्स भी उसी की तरह पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं, तो वो मल्टीवर्सल वॉर छेड़ देते हैं, जिसके बाद कैंग ह्यू रेमेंस बनकर टाइम को टाइम के एंड से कंट्रोल करता है मिस मिनट की हेल्प से, और लोकी इस लूप का पार्ट होता है। जो कि हमें अभी लग रहा है कि लोकी कैंग को रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कैंग का प्लान हो सकता है। पर जैसा कि हमें पता है कि कैंग रेवोना से प्यार करता है पर वो कभी उसके साथ नहीं रह सकता, तो आगे चलकर भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण रेवोना कैंग का साथ देने से मना कर दे और कैंग फिर से टाइम के एंड में चला जाए सबका माइंड वाइप करके सिवाय ओबी के, क्योंकि टीवीए उसकी क्रिएशन है। इसीलिए क्योंकि जैसा पहले बताया था कि विक्टर जो कि कैंग ही है उसकी सारी क्रिएशन टीवीए की गाइड बुक से है जो कि ओबी ने लिखी है, तो हो सकता है कि असलियत में सारी क्रिएशन ओबी की हो, क्योंकि जैसा कि हमें एंटमैन में देखा कि कैंग की टेक काफी एडवांस है, पर वही टीवीए में अभी भी ओल्ड स्टाइल कंप्यूटर्स हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि टीवीए की क्रिएशन बहुत पहले ही हुई है। और जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि डेडपूल 3 में भी टीवीए का इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो इशारा करता है कि इस बार कैंग अपने लूप को कंप्लीट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से टीवीए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि एक रैग्नारोक है जिसे हमें सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे, जहां अलग अलग यूनिवर्स आपस में कोलैप्स हो रहे होंगे, जिसके एंड में हमें कॉमिक के जैसा सीक्रेट वॉर के बाद डॉक्टर डूम सारी टाइमलाइन को जोड़ देता है और पूरा मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचा लेता है, वैसे ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी हमने पिछले सीजन में ये देखा था ना कि टाइम के एंड पर 3 की जगह 4 टाइम कीपर्स की मूर्ति होती है, पर उनमें से सिर्फ 3 के फेसेस थे, 4 का तो नहीं दिखाया था ना। शायद ये हो सकता है कि वो और कोई नहीं ओबी ही हो और टाइम कीपर्स भी असली हो जिन्होंने टीवीए क्रिएट किया पहले मल्टीवर्सल वॉर के बाद, जहां हम सोच रहे हैं कि टेम्पोरल लूम का एक्सेस विक्टर की ऑरा से मिलेगा, वहीं क्या पता वो एक्सेस खाली ह्यू रेमेंस से मिले, जो हमें 2 एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करता हुआ टाइम के एंड में जाए, सिल्वी ह्यू रेमेंस को मारने वाली होती है और लोकी उसे रोक रहा होता है, और फिर वो उसे लाए टेम्पोरल लूम का एक्सेस लेने के लिए, जहां हमें पता चले कि एक्सेस तो ओबी की ओरा से मिलेगा क्योंकि टीवीए ओबी ने क्रिएट किया है, जिसके बाद वो फिर से टीवीए को हथियाने की कोशिश करेगा। और इस चीज के होने के कुछ चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि ओबी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मतलब की हुई कौन, वो ऑस्कर विनर रह चुका है, तो ओबी का कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं होगा ना जो सिर्फ रिपेयर बॉय हो। वैसे भी उसने पिछले सीजन के एंड में बोला था कि वो उससे जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी थ्योरी, मुझे पता है इसमें काफी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उस कमियों को भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और वैसे भी मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना अगर आप देखते हो तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।